वीडियो में आप सीखेंगे 10 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का क्यूब किस तरह से निकाला जाता है ट्रिक के माध्यम से। अगर आप क्यूब निकालने की ट्रिक अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आपको 1 से लेकर 10 तक क्यूब अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इसे देखकर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। क्यूब का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 3, यानी कि किसी भी नंबर को 3 बार किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ट्रिक के माध्यम से, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। और क्यूब की ट्रिक सिखाने के लिए मैंने आपके लिए इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल लिए हैं। तो चलिए पहले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ते हैं। स्क्रीन पर तो क्यूब की ट्रिक का पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे हम बहुत आराम से बहुत आसानी से समझेंगे। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, 45 लिखा हुआ है, 45 की पावर 3 लिखी है, यानी कि 45 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम इसका 3 बार मल्टीप्लाई किए बगैर ट्रिक के माध्यम से इसका मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा है, यानी कि 45 का क्यूब निकालना है। 4 इधर है तो 4 का इस क्यूब होता है 64, इसलिए क्यूब इधर हम लिखेंगे 64। 5 इधर की तरफ लिखा हुआ है इसलिए 5 का क्यूब हम इधर की तरफ लिखेंगे 125। उसके बाद 4 इधर लिखा हुआ है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 का 5 में गुणा करेंगे, 16 पंजे 80 होता है, तो हम इधर की तरफ लिखेंगे इसको। उसके बाद 5 इधर लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 आएगा, और 100 को हम इधर की तरफ लिख देंगे। उसके बाद बीच के जो दो नंबर आए हैं इसको डबल कर दीजिए, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके नीचे लिख दीजिए। तो 80 का डबल होता है 160, हमने नीचे लिख दिया। 100 का डबल होता है 200, यहाँ नीचे लिख दिया। उसके बाद लाइन खींच के क्या करना है आपको, इसको जोड़ देना है, यानी कि ऐड कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर 125 लिखा है तो हम यहाँ 125 नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिखेंगे। बस ये ध्यान रखना है केवल एक डिजिट में नंबर लिखना है, बाकी जो नंबर है 12 वो आगे नंबर पे हम हासिल लगा देंगे, कैरी लगा देंगे। उसके बाद फिर वही काम करेंगे, यहाँ एक डिजिट में नंबर लिखेंगे, 2 के नीचे 00 है तो केवल हम 2 लिखेंगे, और फिर 1 के नीचे 0 है तो यहाँ 1 आना चाहिए, 2 और 1 3, यानी कि 31 यहाँ पर और आना चाहिए, मगर हम 31 नहीं लिखेंगे क्योंकि एक डिजिट में नंबर लिखना है, 31 को हम यहाँ हासिल लगा देंगे। उसके बाद फिर 1 के नीचे 00 है तो 1 हम यहाँ लिखेंगे, और बाकी जो भी जोड़कर आएगा वो यहाँ हासिल लगा देंगे, यहाँ आगे नहीं लिखेंगे। तो 8 और 6 14 और 3 17 और 1 27 हो जाएगा, 27 यहाँ पर हम हासिल लगा देंगे। उसके बाद 7 4 11 हासिल 1 लग जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, इस तरह से 45 का क्यूब इस तरह से निकल कर आ गया। अगर आपको क्यूब की ट्रिक समझ में आ गई हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक कर दीजिए। तो अगला एग्जाम्पल 23 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसका क्यूब देखिए हम किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, 2 का क्यूब होता है 8, और 8 लिखेंगे हम इधर की तरफ क्योंकि 2 इधर लिखा हुआ था। उसके बाद यहाँ 3 लिखा है और 3 का क्यूब होता है 27, तो 27 हम इधर लिखेंगे क्योंकि 3 इधर की तरफ लिखा हुआ है, तो 27 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 तीन 12, तो 12 लिखेंगे इधर की तरफ क्योंकि 2 इधर था, तो 12 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 3 पे काम करना है और वो इधर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दुना 18 होता है, 18 इधर लिखेंगे क्योंकि 3 इधर लिखा हुआ था। उसके बाद बीच के नंबरों को डबल करिए, या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। तो 12 का डबल होता है 24, हमने नीचे लिख दिया, 18 का डबल होता है 36, नीचे लिख दिया। लाइन खींच के इसको जोड़ दीजिए, यानी कि ऐड कर दीजिए। खाली ध्यान ये रखना है कि इसके नीचे जो नंबर आएगा वो सिंगल डिजिट में नंबर आएगा, केवल एक नंबर में आएगा। तो यहाँ 27 लिखा हुआ है तो 27 का हम यहाँ केवल 7 लिखेंगे, 2 को अगले नंबर पे हासिल लगा देंगे। 8 और 6 14, 14 2 16, 16 की 6 लिखेंगे, हासिल यहाँ 1 लग जाएगा। 3 एक 4 और एक 5, 5 को यहाँ लिखना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, अगले नंबर पर हासिल लगाएंगे क्योंकि सिंगल नंबर में नंबर लिखना है। फिर 5 और 4 9, 2 11, 11 की 1, हासिल यहाँ पे 1 लग गया। 2 3 4, 4 आया, 4 यहाँ नहीं लिखेंगे, अगले नंबर पे हासिल लगा देंगे। 8 4 12 होता है, 12 यहाँ पूरा लिख दिया। इस तरह से 23 का क्यूब निकल कर आ गया। 10 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की ट्रिक अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आइए अगले एग्जांपल को हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 62 का क्यूब निकालना है, तो 62 में 6 इधर लिखा हुआ है, 6 का क्यूब होता है 216, तो 216 इधर लिखेंगे क्योंकि 6 इधर लिखा है, तो 216 लिख दिया। फिर 2 का क्यूब होता है 8, और 8 हम इधर लिखेंगे क्योंकि 2 इधर लिखा हुआ है। उसके बाद 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का 2 में गुणा करिए 72, 72 को हम इधर लिखेंगे क्योंकि 6 इधर लिखा हुआ है।
फिर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का गुणा 6 में करेंगे, 4 6 24, और 24 को हम इधर लिखेंगे क्योंकि 2 आपका इधर लिखा हुआ है। उसके बाद बीच के नंबरों को डबल कर दीजिए, 2 का डबल 4, 7 का डबल 14, 24 का डबल 48 होता है, यहाँ लिख दिया। इसको लाइन खींच के जोड़ दीजिए, सिंगल डिजिट में नंबर लिखिएगा हर एक नंबर का, 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 8 आ गया, 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1, 4 2 6 और 1 7, 7 यहाँ नहीं लिखेंगे यहाँ पर हासिल आ जाएगा, 7 4 11 और 2 13 की 3 हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 और 1 ये हो गया 22, तो 22 हम यहाँ हासिल लगा देंगे। उसके बाद 6 और 2 8, इस तरह से नीचे आ गया, 2 और 1 3 और ये 2, इस तरह से 62 का क्यूब निकल कर आ गया। अगर आप स्पीडली करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। यहाँ समझाने में भले टाइम लगा हो, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको और ज़्यादा स्पीड से कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।